हाय दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पे बेटा एजुकेशन में। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो, जो हाल ही में कुछ वैकेंसी आई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, ये ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप करने के लिए वीडियो बनाई जा रही है। आपको कुछ टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी, जो अपडेट कुछ वैकेंसी रुकी हुई थी, जिसे अब नई नई अपडेट आने लगी हैं। तो इस माध्यम से आपकी वीडियो बनाई जा रही है, और आप किस तरह आपको अप्लाई करना है, इस नोटिफिकेशन आपको फुल जानकारी जाएगी। तो स्टेप करते हुए आपको वीडियो फॉलो करना है और अपना फॉर्म अप्लाई करना है। तो आपको नोटिफिकेशन आपको सामने दिखाई दे रहा है, और इस वीडियो में आप स्किप करने से पहले पूरी जानकारी लेनी चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा बहुत ही आसानी से। आपको सामने इस नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, भारतीय वायुमान प्राधिकरण, जिसे आप कह सकते हैं AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ये वैकेंसी आई है ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप करने के लिए। आपको लिखा भी गया, NER रीजन से निकली भी है ये 9 रीजन। जैसे आप कैसे अप्लाई करना है, आपको किस माध्यम से करना है, तो पहले जान लेते हैं कौन बच्चे से अप्लाई कर सकते हैं। तो डिग्री वाले, डिप्लोमा वाले, ट्रेड वाले, तो कह सकते हैं बीटेक, पॉलिटेक्निक और आईटी वाले बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर की आपकी ट्रेनिंग की जाएगी, और देख सकते हैं कौन कौन स्टेट के बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर्स, मैकेनिकल फिटर्स, देख सकते हैं आप सभी, अपने यहाँ पर ट्रेड भी दी गई है। तो इस माध्यम से वैकेंसी आपको दे रखी है। डिग्री में 22 आपको देख सकते हैं कितनी वैकेंसी, 57 वैकेंसी दे रखी है। डिप्लोमा में आप देख सकते हैं यहाँ पर 48 दी गई है, और ट्रेड में आपको 17 वैकेंसी दी गई है। सभी की एक एक 1 ईयर की ट्रेनिंग दी जाएगी, और इसमें सैलरी बेस आपको दिया गया है। यहाँ पर जो आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पर सैलरी दी जाएगी, वो 15,000 रुपये, 12,000 रुपये और 9,000 रुपये दी जाएगी। तो कहाँ की ये पोस्टिंग की जाएगी ट्रेनिंग करने के लिए, तो देख सकते हैं आप जो असम के कुछ जिले हैं उसमें भी आपकी इसमें की जाएगी। अगरतला, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, जाखड़, तो यहाँ पर तेजपुर जैसा आप देख सकते हैं, अन्य भी जिले दिए गए हैं, तो यहाँ पर उसकी आपकी पोस्टिंग की जाएगी। तो ये आपकी जो लास्ट डेट इस फॉर्म की देख सकते हैं, अभी हाल ही में फॉर्म अपडेट हुआ है, तो लास्ट डेट इसकी आप देख सकते हैं 4 तारीख दी गई है, 3-4 मार्च शाम को 6 बजे आपकी ये साइट बंद हो जाएगी। आपको ये फॉर्म भर के नहीं भेज सकते, तो ये आपको फॉर्म आपका ऑफलाइन भर के भेजना है, और कैसे भेजना है वो आपको वीडियो में आपके बताया जाएगा। एजुकेशन की बात कर लेते हैं, एजुकेशन आपको देखेगा जब ये बच्चे डिग्री से, डिप्लोमे से या IIT से, तो सभी आपको वहाँ पर कैटेगराइज दिया गया है, और सिलेक्शन मोड इसमें दे देते हैं। आपको इसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो बच्चे सिलेक्शन किया जाएगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब भी अवेलेबल कराया जाएगा। तो आपको ये कुछ एग्जाम वगैरह नहीं देना, सीधा आपको मेरिट बेस के, आपको इंटरव्यू बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। देख सकते हैं एलिजिबिलिटी कैटेगरी दी गई है, कैंडिडेट जो बच्चे पास होंगे 17,000 से, जो 17 में बच्चे पास हुए हैं उसके बाद के आपको नहीं किए जाएंगे, उससे पहले के आपके लिए जाएंगे जो 17 में बच्चे पास हुए हैं। एज लिमिट आप देख सकते हैं 26 साल में दी गई है, और 5 साल में छूट भी दी गई है बच्चे SC ST वालों में और OBC वालों में। तो सभी लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जो आपको ऐसे आगे दिखे जाएंगे। जनरल एंट्रेंस ने बता देख सकते हैं आपको, जैसे मैंने बताया लास्ट डेट्स की दी गई है, और यहाँ पर जो साइट दी गई है ये दी गई डिग्री वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए, इस पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और मैं आपको दिखा देता हूँ आगे। तो अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखते हैं, NER गुवाहाटी में आपका दिया गया है, यूजर आईडी आपको यहाँ पर बता दी गई है, जहाँ आपको जाकर अप्लाई करना है। जिस बच्चों ने इस साइट पर अप्लाई नहीं करेंगे, डिप्लोमा और डिग्री वाले, तो उसका आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। तो किस तरह आपको अप्लाई करना है वो भी आगे बताया जाएगा, किस साइट पर आपको जाना है। थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको बताती है और डील जान लेते हैं। तो जो बच्चे डिग्री और डिप्लोमा से अप्लाई करने चाह रहे हैं, तो उस साइट पर आपको अप्लाई करना वो दिया गया है। और जो जो बच्चों को ITS अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें सेकंड ईयर में यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए दे रखा है, इस साइड पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। और आपको पोस्ट कैसे करना है, ये पोस्ट आपको फॉर्म भरना है, मैं फॉर्म भी आपको दिखा देता हूँ। आपको फॉर्म भरकर ये आपकी इस मेल आई डी पर सेंड करना है, आप देख रहे हैं स्क्रीन करके आपको यहाँ पर सेंड करना होगा, इन मेल आई डी पर यहाँ पर दी गई है, देख सकते हैं। कॉपी सेंड रिक्वेस्ट फॉर्मेट पब्लिसिटी स्कैन योर स्कैन टू एप्लीकेशन फॉर्म। अब देख चलते हैं उस फॉर्म पर, आप जहाँ पर दिया गया है, ये आपको फॉर्म दिया गया है, यहाँ पर आपको कैसे करना है। शुरू में आपको फॉर्म ने ये आपको फॉर्म भरना है, अपने प्रिंट पर स्कैन करना होगा, स्कैन करने के बाद इनकी फिर मेल आईडी पर सेंड करना है। तो शुरू में आपको देख सकते हैं आपको नेम लिखना होगा, आप फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, एजुकेशन आप दिया, BTech IIT वाले जो बच्चे हैं, आपकी ट्रेड डालनी होगी, कैटेगरी आपको डालनी होगी, एलिजिबिलिटी ऑफ फिजिकल हैंडीकेट वहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ देगा आधार नंबर आपको डालना होगा, पैन कार्ड नंबर यहाँ डालना होगा, लाइसेंस नंबर यहाँ डालना होगा, और आपका बस होता हो।
डिसिप्लिनरी अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ कुछ नहीं डालना है। रजिस्टर नंबर आपको डालना होगा, मैं आपको बता दूँ RTC NST में क्या अंतर है आपका। जो NSTS वाले बच्चे हैं वो है डिग्री और डिप्लोमा वाले बच्चे, और RTSC के बच्चे वाले हैं जो आपके IT वाले बच्चे हैं। और जो मेन पॉइंट रजिस्टर नंबर मैंने आपको बताया 3 नंबर कैसे करना है, 3 नंबर का जो आपको ये पॉइंट दिया गया है NSTS वाले, ये बच्चे डिग्री और डिप्लोमा वाले यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, जो बच्चों ने इस पर अप्लाई किया हुआ है, तो इसका प्रिंट आपको निकालना हो प्रोफाइल का, और आपको वहाँ पर स्कैन करके आपको इनका सेंड करनी होगी इस पर लॉगिन करके। और अप्रेंटिसशिप वाले जो बच्चे IT वाले हैं, IT वाले यहाँ से अप्लाई करेंगे अपनी प्रोफाइल निकाल के, यहाँ से जो रजिस्ट्रेशन किया होगा तो यहाँ फॉर्म में वो यहाँ पर डाल लेना है नंबर, ध्यान रखेंगे वो नंबर यहाँ पर डाल लेना IT वाले और बच्चे जो डिप्लाई कर लें सभी के लिए एक फॉर्म है। और कहाँ आपको डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन कराना है आपको अपना टिकट लगा लेंगे, आप लोग लिख देंगे यहाँ भी ये चीज़ दी गई है आपको, रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ पर ट्रेनिंग करनी है आपको, यहाँ पर वो यहाँ पर सेंटर में डाल लेने हैं, फर्स्ट सेकंड आपको थर्ड पर। परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ डालना होगा, यही एड्रेस आपको सेम में लिखना होगा, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद मुझे दिया गया है जिस सिटी में आप रहते हैं, और डेट ऑफ दे रखी है आपको, डेट आपको डालनी है और आपको सिंच करनी है। बहुत ही आसानी से बहुत सिंपल फॉर्म आपको भर सकते हैं। और मैं दोबारा बताता हूँ आपको, जैसे बच्चे इसमें बच्चे जो अप्लाई किए होंगे बच्चों ने डिग्री और डिप्लोमा वाले, आपको करेक्ट नंबर निकाल लेना है, वो यहाँ पर आपको डाल लेना है इस फॉर्म के 13 नंबर पर। IT वाले बच्चे भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, इसकी वीडियो बनाई गई है इस पर, उसके ऊपर भी हम आपको नंबर यहाँ पर डाल लेंगे बहुत ही आसानी से। तो पूरा नोटिफिकेशन आपको बताया गया है, और ईमेल आईडी सेंड कर लेना है, जो आपको कोई नई जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर ईमेल आईडी पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इस ईमेल आईडी पर आपको सेंड करना है जो आपको यहाँ पर दी गई है। ईमेल आईडी सेंड करना कैसे करना है आपको, ईमेल आपको ओपन करनी है, जब आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कंपोज में आना होगा। जैसे कंपोज में आप आ जाएंगे तो कंपोज आपका ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं आप कंपोज ओपन हो चुका है। और यहाँ आपको यहाँ पर जो ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है, ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है वो आपको यहाँ पर डाल लेनी है। और सब्जेक्ट में क्या लिखना है आपका, AI अप्लाई फॉर्म अप्रेंटिसशिप करने के लिए आपको यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या डालना, आपका नेम डालना होगा, अपना रोल नंबर डालना होगा, जो आपका डिप्लोमा डिग्री वाले बच्चे हैं वो आपको यहाँ पर लिख सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, और आपको PDF नहीं डालनी होगी जो स्कैन की हुई होगी अपने फॉर्म की, जो आपको फॉर्म दिखाया गया है ये फॉर्म आपको स्कैन करके यहाँ पर डाल लेना है, उनके एडमिट में सेंड कर देना है। तो आपको रिक्वायरमेंट जब का मैसेज आएगा, अपडेट अप मेल आएगा, तो आपके लिए उसमें आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा बहुत ही आसानी से। तो सभी लिंक आपको 200 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप करते फॉर्म आपको अप्लाई करना है फुल प्रोसेस के साथ। और किसी प्रकार अन्य प्रकार सस्त दोस्तों आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी इस वीडियो के माध्यम के द्वारा। और ऐसी नई नई वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो से बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।